सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, मुझे लगता है बहुत सारे गवाहों के बयान आपने भी दर्ज किए होंगे, निधि को सुनकर क्या लगा आपको? निधि ने जो बातें कही हैं, कुछ चीजें सीसीटीवी से सत्यापित होती हैं, कुछ चीजें सीसीटीवी से सत्यापित होती हैं, और जो महत्वपूर्ण बयान उसने कहा कि अंदर कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था और मृतिका ने अपने बचाव के लिए प्रयास किए, कार चालकों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु उनके द्वारा गाड़ी आगे पीछे की गई जिससे कि लाश वहीं रुक जाए या छूट जाए। इसका मतलब जो कार में सवार थे उनको भली भांति मालूम था कि मृतिका के साथ हादसा हो चुका है और उन्होंने अपनी जान बचाने के उद्देश्य से वो किया जो उन्होंने किया। इसके अलावा जो बात इस बच्ची ने अभी आपके सामने कही है उसमें बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं सत्यापित करना चाहूंगा। उसका ये कह देना कि मैं होपलेस हो गई थी, ऐसी उसकी बॉडी भाव भंगिमा नहीं है कि वो होपलेस हो जाए। उसको अपना कर्तव्य भी मालूम था, उसको ये भी मालूम था कि उसका न करना कितना अहित होगा उसका, मृतिका का और सभी का। लेकिन आपने इस बात का खुलासा करके सबको जग जाहिर कर दिया और ये एक तरीके से ऐसा बयान है जो कि पुलिस के 161 सीआरपीसी के बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उसने आज तक को दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस क्लिप को पुलिस शामिल तफ्तीश करे और एक एक शब्द का सत्यापन करे। कुछ चीजें तो सत्यापित हो जाती हैं और कुछ चीजों पर सत्यापन की मैं होपलेस हो गई, मैं घबरा गई इस चीजों के बारे में। दूसरा, बॉयफ्रेंड वाला जो किस्सा है इसके ऊपर पुलिस ही अनुसंधान करे। और चौथा बिंदु कि इन लोगों ने जो कार के चालक थे इन्होंने अपने बचाव के लिए जो दो अपकृत्य किए इसके बारे में भली भांति और विवेचना होनी चाहिए, और जो रिकंस्ट्रक्शन सीन ऑफ क्राइम का हो उसमें इस बच्ची को ले जाकर के भी इंच बाय इंच, यार्ड बाय यार्ड एक एक चीज का सत्यापन होना चाहिए। लेकिन अब इस अपराध की चाबी जो बयान आपने अभी सुनाया है इसमें निहित है, इस चाबी से ही इसकी पूरी गुत्थी और सुलझेगी। लेकिन इस लड़की ने जो बयान दिया उसका सत्यापन होना भी उतना ही जरूरी है विक्रम सिंह जी, क्योंकि एक अंजलि की जान जा चुकी है और ये दूसरी लड़की जिसको हम सुन रहे थे यकीनन वो जो बोल रही होगी उसने जो अपना अनुभव बयान किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज या शब्दों के जरिए या जो अनुभव किया हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि आपकी दोस्त जिसके साथ आप पार्टी कर रही थी उसकी जान जा चुकी है, 12 किलोमीटर तक घसीटने के बाद उसको मारा जा चुका है, नग्न अवस्था में एक जगह से उसकी बॉडी की बरामदगी होती है, 3 दिन के बाद ये सामने आई है विक्रम सिंह जी। बेशक, तभी मैंने कहा मैं बहुत ही परिमार्जित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, कयास लगाना औचित्यपूर्ण नहीं इस गंभीर विषय के ऊपर, इसीलिए मैं कह रहा हूं बाकी जो बयान है उसका सत्यापन पुलिस अपनी तफ्तीश में करेगी और एक एक चीज से। और मैं पुलिस को भी परामर्श देना चाहूंगा कि कॉल डिटेल्स का मिलान, जो बच्ची अभी आई थी बयान दे रही थी, मृतिका के कॉल डिटेल्स और ये जो पांचों जो कार से गिरफ्तार हुए थे इनके कॉल डिटेल्स का सत्यापन मिलान भी होना चाहिए, इसमें और खुलासे होंगे।